हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आईफोन 8 जो एप्पल का अपकमिंग आईफोन है उसके एक्सपेक्टेड फीचर्स के बारे में बताऊंगा, उसके फाइनल डिजाइन और लेटेस्ट लीक्स के बारे में बताऊंगा कि उस पर क्या क्या हो सकता है। तो मेरा नाम है साध, आप देख रहे हैं चैनल टेक्नो साध। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहले फीचर्स होगा आईफोन 8 में वो होगा 5.8 ओलेड डिस्प्ले, यानी कि अब आईफोन जो है LCD से पीछा छुड़ा चुका है, अब वो ओलेड डिस्प्ले पे आ चुका है जो कि फ्लेक्सिबल होता है डिस्प्ले, और जो पावर बहुत कम पावर खर्च करता है और इसके कलर्स बहुत शार्प होते हैं। सैमसंग इससे पहले भी यूज़ कर रहा था अपने S7 जो S8 में इसने यूज़ किया है, लेकिन एप्पल लिए पहली बार यूज़ कर रहा है, तो मतलब कि एप्पल ने LCD से जान छुड़ा ली है। बॉडी का अगर हम बताएं, बॉडी के बारे में बताएं, तो बॉडी के बारे में कहा गया है कि एप्पल के जो आईफोन 8 की बॉडी होगी वो अब पुराने ट्रेडिशनल एल्युमिनियम की बॉडी नहीं होगी, अब वो ग्लास बॉडी होगी जैसे हम आईफोन 4 में देखते थे। वो अब एल्युमिनियम नहीं रहा जो कि 5S में था, 6S। कैमरे और फिंगरप्रिंट दोनों जो है डिस्प्ले के अंदर इंटीग्रेटेड होंगे, डिस्प्ले के अंदर होंगे। आपको कोई होम बटन नहीं दिखेगा जैसे पुराने आईफोन्स में मिलता था। हमें प्रीवियस आईफोन्स में जो सर्कल सा बटन होता था होम बटन, अब हमें वो बटन नहीं दिखेगा। अब हमें सारे होम बटन, फिंगरप्रिंट स्कैनर, फ्रंट कैमरा भी हमें इंटीग्रेटेड मिलेगा डिस्प्ले के अंदर। और जो दूसरी लेटेस्ट बात हमें ये पता चली है कि आईफोन 8 जो होगा उस पर इस तस्वीर को देख के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस पर अंदर के हिस्सा साफ सुथरा दिखाया गया है और इस पर नीचे पीछे ये दिखाया गया है कि जैसे लगता है कि इस पर वायरलेस चार्जिंग भी होगी। स्मॉल स्क्वायर सर्कल की तरह है ये, आप इसमें देख सकते हैं। वायरलेस चार्जिंग के लिए आईफोन ने ग्लास बॉडी अडॉप्ट की है। और एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस तस्वीर को देख के कि आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है अगर इसे देखा जाए, और कितना अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से। ये अगर ये जो है S8 के इन्फिनिटी डिस्प्ले से काफ़ी बेहतर लगेगा, क्योंकि S8 के जो हल्के हल्के बॉट नीचे बेजल्स हैं फिर भी, लेकिन इस पे देख सकते हैं आप इस पे ज़रा सा भी बेजल्स नहीं होगा। और जैसे कि पुराने ट्रेडिशनल आईफोन की तरह iPhone 7 Plus और iPhone 7 की तरह इस पे भी वाटर असिस्टेंट के एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन हो सकता है इसमें IP रेटिंग जो है इम्प्रूवड हो। और एक और खबर रूमर ये मिली है हमें कि iPhone 8 में एप्पल लाइटनिंग पोर्ट के बजाय टाइप सी को अडॉप्ट करने वाला है। मतलब अब हमें हो सकता है आईफोन 8 में USB टाइप सी देख पाए। और एक और चीज़ प्रोसेसर के बारे में, खास बात यह है कि आईफोन 8 में 10 नैनोमीटर का A11 चिप होगा जो कि ज़्यादा फास्ट होगा और ज़्यादा पावर इफिशेंट होगा, और प्लस इसमें ऐसे फीचर्स भी होंगे जैसे कि वायरलेस चार्जिंग होगा और बायोमेट्रिक एडिशंस जैसे कि आयरिस फेशियल और जेस्चर रिकॉग्निशन होगा। और कैमरे की बात करें तो कैमरा जो होगा फ्रंट कैमरा जो होगा उस पर यह कहा गया है कि 3D सेंसिंग कैपेबिलिटीज होगी फ्रंट कैमरे पे। आईफोन 8 में आने वाले आईफोन में पहला आईफोन होगा जिसमें इंफ्रारेड बिल्ट इन होगा। अब देखते हैं क्या होता है, वो तो आने के बाद पता चलेगा। तो हो सकता है ये आईफोन 8 जो है 2017 के एंड सितंबर या अक्टूबर तक रिलीज हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इतना कुछ मैंने आपको बताया तो आपको मुझे यकीन है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा।